आप लोग उम्मीद है कि अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के एक नई अपडेट के बारे में और उससे बढ़िया कौन सा एप्लीकेशन है उसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि पता है कि व्हाट्सएप ने अपना न्यू पॉलिसी जो लगा रखा है वो पॉलिसी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो हम लोग कौन सा यूज करें उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो पर बने रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले हम अपने गूगल को खोलते हैं और यहाँ पर whatsapp.com पॉलिसी लिखते हैं। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पॉलिसी या whatsapp.com लिखते हैं, ओनली whatsapp.com लिखिएगा, आपके सामने इसके विंडो खुल के आ जाएगा। whatsapp.com पे यहाँ पर देख लीजिए whatsapp.com इसका देखिए कुछ अपना ये प्रमोट कर रखा है और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप बता रहा है अपना जो जो भी है। देखिए इसकी सुरक्षा डिफॉल्ट सुरक्षा अपनी को अपने व्हाट्सएप को शेयर फ्यूचर ये नहीं, यहाँ पे आइए। फिर इसको लॉन्ग में हम कर लेते हैं इंग्लिश क्योंकि हिंदी में उतना मुझे जानकारी इसमें पढ़ने में दिक्कत होगी। और इसको आते हैं थ्री डॉट क्लिक करते हैं को काटिए लैंग्वेज सेलेक्ट whatsapp.com व्हाट्सएप हिंदी होगा यार। हाँ अच्छा हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर इंग्लिश आता है यहाँ पर तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए प्राइवेसी पॉलिसी का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको क्लिक कर लेना है। देखिए प्राइवेसी पॉलिसी को क्लिक करते हैं और आपको यहाँ से आराम से इसको पढ़ना है कि क्या है। आपकी प्राइवेसी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, देखिए बढ़िया है हम मिशन और कि हमारी प्राइवेट। आप इसको देखिए मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा, इसमें टाइम लगेगा। आप इसको आराम से रीड कर लेना है और रीड करने के बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये किसी पहले जो था ये सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के ही बीच रहता था चार्ट, लेकिन अब जो है अब ये थर्ड पर्सन के सामने ये पेश करेगा जो कि ये फेसबुक है। और जैसे कि फेसबुक के पास या किसी अदर भी अब हो सकता है कि ये सेल करे तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये प्राइवेसी पॉलिसी हम करेंगे कि आप इसको एक्सेप्ट मत कीजिए। तो हमारा से इसका यही है पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी, तो आप इसको ज़्यादा यूज ना करें तो ठीक रहेगा क्योंकि ये आपके लिए साबित खतरनाक साबित हो सकता है। मैं टेक से हूँ, मैं खूब अच्छी तरह से इस बारे के बारे में जानता हूँ, लिहाज से हम बैक कर लेते हैं। अब दूसरा एप्लीकेशन जो है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं सिंगल, ये एप्लीकेशन आपके ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम चलते हैं प्ले स्टोर पर और सिंगल टैप करते हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर है जो कि व्हाट्सएप की तरफ फ्यूचर ही दे रहा है और बिल्कुल फ्री है। हाँ थोड़ा सा ओपन सॉर्ट है क्योंकि ये थोड़ा पैड है क्योंकि इसमें थोड़ा पैसे लग सकते हैं, बट अभी नहीं। चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं सिंगल एप्लीकेशन लिखते हैं। जैसे आप सिंगल सिंगल ऐप लिखिएगा कि सिंगिंग ऐप आ गया वो सिंगल ऐप। सिंगल ऐप लिखिएगा और ये बात ये है कि फर्स्ट रैंकिंग पर ये शो हो रहा है कि सबसे ऊपर ही आ गया। आपको आराम से इसलिए डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में आप इसको ओपन कीजिएगा। इससे पहले कि हम इसके बारे में बता दें, इसका रेटिंग वोटिंग देख लें, इसका व्हाट इज न्यूज देख लें, अबाउट अस, ये सब चीज़ें मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि पढ़ने से कुछ नॉलेज मिल जाता है। तो जैसे ये पढ़ लीजिएगा, देखिए आपको कुछ भी सपोर्ट है support.single.org पर जाइएगा, सपोर्ट कोड के लिए कुछ जाइएगा। रेटिंग देखिए 3+ है। एफ इन्फो वर्जन अपडेट डाउनलोड डाउनलोड देखिए कम से कम ये हो गया आपके 10 मिलियन तो ही गया सिंगल फाउंडेशन इतना। यहाँ से बैक डेवलपर कनेक्ट करना हो तो यहाँ से जाकर आप यहाँ से डेवलपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसका एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ से डेवलप किया गया ई मेल देख सकते हैं, तो ये अच्छा है। चलिए हम इसको ओपन करके बताते हैं। जैसे कि ओपन करना है, जैसे कि व्हाट्सएप पर जिस तरह से आपको मोबाइल नंबर दर्ज करते थे उस तरह से मोबाइल नंबर दर्ज करना है और ओटीपी आएगा। ओटीपी लेने के बाद में आपको एक 3 डॉट पर क्लिक, जैसे कि आप डीपी लगाना है तो आप यहाँ पर एक डीपी लगा लीजिएगा अपना। डीपी लगाने के लिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे, टेक फोटो, जैसे कि टेक फोटो देखिए यहाँ पर डीपी पी लगेगा, टेक फोटो चूज फॉर गैलरी रिमूव फोटो, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या अपना फोटो खींच के लगा सकते हैं या आप फ़ोन में सेव कर रहे हैं तो उसको लगा सकते हैं। आप यहाँ नाम दे सकते हैं, फिर सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। चलिए हम सेव ऑलरेडी किए हुए हैं। SMS नोटिफिकेशन प्राइवेसी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपना लॉक लगा सकते हैं, ऐप लॉग, स्क्रीन सिक्योरिटी, लॉजिंग कीवर्ड, देखिए इसका यह मतलब होता है कि जैसे कि आप अपने कीबोर्ड को जैसे स्पेस को दबाते हैं तो सिलेंडर रहता है वो है। और इसमें ऑलवेज रिलेड काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर है, खूब सी चीज़ आपको मिल जाती है इसमें बिल्कुल आसान से। देखिए यहाँ पर स्टोरेज में आकर देख सकते हैं कि मेरे पास कितना स्टोरेज है व्हाट्सएप की।
थोड़ा सा व्हाट्सएप से मॉडिफाई भी करके बनाया गया है, बिल्कुल से अच्छा है। देखिए आप ये कहा जाता है नोट्स टू सेल्फ, आप इस अपने डॉक्यूमेंट आप अपने इसमें सेव कर सकते हैं, अपना जो भी आपका डाटा है आप इसमें सेव कर सकते हैं, लेकिन जबकि ये व्हाट्सएप प्रोवाइड नहीं करता था नोट नोट टू सेव सेल्फ का। ये आपका ही सेल्फ है, अगर आप जितना डाटा रखते हो तो इसमें रख सकते हैं और कहीं भी ये सिक्योर रहेगा, ये आपका ये हैक नहीं हो सकता है, ना ही तो कोई देख पाएगा ये डाटा को। देखिए यहाँ पर फोटो माइक फोटोज जो है चाहे आप इसे रख सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीका से। थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, न्यू ग्रुप, जो भी आपके जो है व्हाट्सएप नीचे आ जाते थे उस तरह से आप आपके आ जाएंगे। अभी मेरे नहीं आए क्योंकि लोगों ने यूज नहीं कर रखा है, तो जैसे कि आ जाएगा आप ऐड करके ग्रुप नेम दीजिएगा, इंटर दबाइए, ग्रुप बन जाएगा और इस ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप में 256 लोगों को ही आप ऐड कर सकते थे। यहाँ है इनवाइट फ्रेंड्स, आप किसी को व्हाट्सएप को यहाँ पर लिंक उसको भेज सकते हैं इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जिस तरह से फोटो जाता आता है देख लेगा कोई तो ग्रीन हो जाएगा, यही है तो बिल्कुल अच्छा है मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ पर टू टू सेल्फ यहाँ से आ सकते हैं अपना कोड। खैर ये भी आप धीरे धीरे रैंकिंग करेगा तो ये भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा और एक बढ़ के अच्छा से हो जाएगा। मेरा राय है कि आप लोग सिंगल ही यूज करें, आप ज़्यादा ऐसी मत करें व्हाट्सअप पर, व्हाट्सअप यूज कर सकते हैं बट उसमें अपना जो भी डाटा है या वो इंपॉर्टेंट डाटा हो आप उसमें शेयर किसी को ना करें, ताकि वो डाटा आपका लीक हो सकता है एक दिन और आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। तो आप प्लीज़ उस डाटा को शेयर ना करें। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।